तो शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर कन्वर्टेड दलित जो कन्वर्ट हो जाते हैं दलित तो अगर किसी और रिलीजन में अगर कन्वर्ट हो गया तो अगर आपने सिखिज्म और बुद्धिज्म को छोड़ के उनको एस टी स्टेटस नहीं दिया जाता था तो फॉर एग्जाम्पल कोई इस्लाम में कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में हो गया तो उसको एस टी स्टेटस नहीं दिया जाता सिखिज्म बुद्ध में कन्वर्ट हुए तो एस टी स्टेटस रिटेन रहता है तो थ्री मेंबर कमीशन बनाया गया दट इज हेडेड बाई के जी बालकृष्णन एंड प्रोफेसर सुषमा यादव एंड रिटायर आई एस ऑफिसर रविंद्र कुमार जैन तो उनको दो साल का टाइमलाइन दिया है तो बेसिकली जैनिज्म क्रिश्चियनिटी इस्लाम जैन में जैनिज्म में तो ज़्यादा कन्वर्ट होते नहीं है क्रिश्चियनिटी इस्लाम में होते हैं तो जब क्रिश्चियनिटी इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं तो ऐसा स्टेटस रिटेन नहीं रहता है सिखिज्म बुद्धिज़म में रहता है जहाँ पर अर्ली रिकमेंडेशन की बात करें तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन थी दो हज़ार चार में इन्होंने रिकमेंड किया था सुप्रीम कोर्ट जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है फुली रीजनल न्यूट्रल होना चाहिए जैसे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है कोई भी रिलीजन का आप श्यडूल ट्राइप रहो वैसे शेड्यूल कास्ट रहनी चाहिए चाहे आप किसी भी धर्म पर कन्वर्ट करो नेशनल कमीशन ऑफ शड्यूल ट्राइव नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ने भी रिकमेंड किया था कि आप ऐसी जो स्टेटस है दलित मुस्लिम को भी दो दलित क्रिश्चंस को भी दो